रविवार रात आईपीएल सीजन 2022 का मैच नंबर 55 खेला जाएगा। इस मैच में आमने सामने होंगी दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस सीजन कुछ अहम खिलाड़ियों को अहम मौके पर मिस किया। कैंप में कोविड केसेस आए, लेकिन फिर भी ये टीम पॉइंट्स टेबल में सभी टीम्स में सेकेंड बेस्ट +0.641 के नेट रन रेट के साथ पांचवें नंबर पर बनी हुई है। दूसरी तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम्स में से एक, लेकिन इस सीजन टीम लगातार स्ट्रगल करती नजर आई है। टीम का हाल बेहाल है, सीधे कहें तो टीम बाहर दिख रही है, लेकिन गुणा भाग वाले हिसाब से अब भी टीम को प्लेऑफ की दावेदारी से बाहर नहीं कहा जा सकता। चेन्नई की टीम के लिए ये साल भुलाने वाला रहा है। जडेजा के हाथ कप्तानी सौंपी, लेकिन वो दाव नहीं चला। पिछले दो मैच में धोनी कप्तान बने तो वहां भी एक हार देख ली। अब सीएसके जीत के साथ बाकी टीम्स का मामला बिगाड़ने के इरादे से उतर रही है। शुरुआत करते हैं माही की चेन्नई सुपर किंग्स से। चेन्नई के कप्तान धोनी ने खुद ये बात कही कि टीम के पास यंग पेस अटैक है जो कि अभी चीजें सीख रहा है। मुकेश चौधरी, सिमरजीत सिंह, ड्वेन प्रिटोरियस और महेश तीक्ष्णा का ये पहला आईपीएल है। ऊपर से इन पर दबाव बनकर आ गई है ड्वेन ब्रावो की इंजरी। ऐसा नहीं है कि बॉलिंग वाले मामले में ही टीम में दिक्कत है, बैटिंग फ्रंट पर भी वीक नजर आ रही है टीम। टीम के लिए ओपनिंग जोड़ी ऋतुराज गायकवाड और डेवॉन कॉनवे जरूर कुछ मैचेस से रन्स बना रही हो, लेकिन टीम के स्टार रहे रविंद्र जडेजा का स्ट्राइक रेट 2015 के बाद सबसे कम 118.36 का रहा है। सिर्फ जडेजा ही नहीं, मिडिल ऑर्डर भी इस साल कंसिस्टेंट नजर नहीं आया है। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स को देखें तो वो सीएसके के मुकाबले बेहतर टीम दिख रही है। खास बात है कि मिडिल ऑर्डर में रॉबिन पॉवेल धुआंधार पारियां खेल रहे हैं। सीजन की शुरुआत में उनकी बैटिंग पर सवाल थे, लेकिन अब वो टीम के लिए रन्स बना रहे हैं। लेकिन अगर आईपीएल में चेन्नई का कम अनुभव वाला बोलिंग लाइन अब चला तो वो दिल्ली के बैटिंग डेप्थ को अच्छे से टेस्ट कर सकता है। पिछले मैच में पृथ्वी शॉ पूरी तरह से फिट नहीं थे और मुकाबला मिस कर गए थे, लेकिन टीम के असिस्टेंट कोच शेन वॉटसन को उम्मीद है कि शॉ सीएसके के खिलाफ मुकाबले से पहले रिकवरी करके वापसी करेंगे। दूसरी तरफ ड्वेन ब्रावो और अक्षर पटेल की चोट को लेकर भी अपडेट का इंतजार है। देखना होगा कि ये दोनों ही स्टार्स इस मैच का हिस्सा बनते हैं या नहीं। चेन्नई और दिल्ली के मुकाबले से पहले हम आपको इन दोनों टीम्स के बीच खेला गया एक पिछला रोमांचक मुकाबला बताते हैं। साल 2021 में चेन्नई और दिल्ली आईपीएल पॉइंट्स टेबल की टॉप टू टीम्स थी। दोनों ने पहले दो स्थान हासिल कर क्वालिफायर एक में जगह बनाई थी। दुबई के मैदान पर इन दोनों टीम्स के बीच मुकाबले में धोनी ने टॉस जीता और दिल्ली को पहले बैटिंग के लिए बुलाया। दिल्ली के बल्लेबाजों ने इस प्रेशर वाले मुकाबले में बोर्ड पर 172 रन लगा दिए। पृथ्वी शॉ ने ओपन करते हुए शानदार 60 रन बनाए। आखिर में कप्तान ऋषभ पंत ने 51 जबकि शेमरॉन हेटमायर ने 37 रन की पारी खेली। चेन्नई के लिए गेंदबाजों ने भी अच्छा काम किया। जॉश हेजलवुड ने 2, जडेजा मोइन अली और ड्वेन ब्रावो ने 1-1 विकेट चटकाए। 173 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके को पहले ओवर में ही ड्यूप्लेसी के रूप में एक बड़ा झटका लगा। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड और रॉबिन उथप्पा ने सीएसके के लिए मैच बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने 110 रन की पार्टनरशिप की और चेन्नई के लिए मैच आसान कर दिया। ऋतुराज ने 50 गेंदों में 70 रन की पारी खेली, वहीं उथप्पा ने 44 गेंदों में 63 रन की पारी खेली, लेकिन आखिर में फिर मैच फंसता हुआ दिख रहा था तो कप्तान एमएस धोनी उतरे और मैच को खत्म कर दिया। धोनी जब बैटिंग के लिए आए तो चेन्नई को 12 गेंदों में 24 रन की जरूरत थी। 19वें ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज का बड़ा विकेट गिर गया, लेकिन इसके बाद मोइन अली ने अवेश खान को एक चौका और धोनी ने एक छक्का लगाकर मैच को जिंदा रखा। पारी के आखिरी ओवर में सीएसके को फाइनल में पहुंचने के लिए 13 रन की जरूरत थी और दिल्ली के लिए गेंद टॉम करन के हाथों में थी। ओवर की पहली गेंद पर ही मोइन अली कैच आउट हो गए। अब 5 गेंदों में 13 रन की जरूरत थी, लेकिन अच्छी चीज ये रही कि धोनी स्ट्राइक पर आ गए। इसके बाद धोनी ने कोई देरी नहीं की और लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगाकर चेन्नई को फाइनल में पहुंचा दिया। टीम को 1 रन वाइड के थ्रू भी मिला। इसके बाद फाइनल में भी चेन्नई की टीम ही जीती और चौथी बार आईपीएल चैंपियन बनी। बहरहाल आज के मैच के लिए हमारी गेम्स 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, ऋतुराज गायकवाड, डेवॉन कॉनवे, ऋषभ पंत, रॉबिन पॉवेल, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और महेश तीक्ष्णा। ये खबर आपके लिए लिखी है विपिन ने। ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स।